मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है कि कैसे मैं आमंत्रित करूं अपने कुलपति को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, परंतु जब मैं इस महान विश्वविद्यालय में छात्र था तो सर आप हमारे कुलपति थे। आपकी असीम ऊर्जा, प्रेरणा और सरल भाव से हम सब इतने प्रभावित थे कि एक बार जब युवा उत्सव स्पंदन के कार्यक्रम में आपके हाथों मुझे पुरस्कार लेने का संयोग प्राप्त हुआ तो मैं वहाँ अपना आई कार्ड निकाल के सर के सामने रखा और कहा, सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। सर ने थोड़ा मुस्कुराए, फिर उसके बाद पूछे, क्या क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने कहा, सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। सर ने मेरे आई कार्ड पर लिखा, ढेर सारे प्यार एवं आशीर्वाद के साथ कुलपति, और उस पर तारीख लिखी फरवरी 2009। और पता नहीं कौन सा आशीर्वाद था सर का कि उसी फरवरी माह में 7 साल के बाद मैं यहाँ शिक्षक के रूप में चयनित हुआ। सर मैं बस इतना कहूँगा, सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल हुआ उद्देश्य, आप सभापति मिल गए, मिल गई कृपा विशेष। सर कृपया आप आए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। काशी न्याय समागम के उद्घाटन सत्र के माननीय मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर, न्याय के क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, श्रद्धेय श्री अशोक भूषण जी, माननीय न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त उच्चतम न्यायालय और अभी चेयरपर्सन NCLAT दिल्ली, प्रोफेसर विनोद शंकर मिश्रा जी, डॉक्टर अनूप कुमार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर मयंक प्रताप, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत, श्री अशोक मेहता जी, हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी कमीशन के ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर विश्वास चौहान जी, JNU से पधारे प्रोफेसर रामनाथ झा जी, सभी यहाँ उपस्थित देश के विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए और इस विश्वविद्यालय के सभी लीगल एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं विधि संकाय BHU को बधाई देता हूँ। और जैसा कि अनूप कुमार जी बता रहे थे कि कितने संस्थाओं से ज़्यादा 15-16 संस्थाओं ने मिलकर के इस काशी न्याय समागम का आयोजन किया है, और सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे यंग रिसर्चर्स और जो बडिंग लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि और आज के कीनोट स्पीकर श्रद्धेय अशोक भूषण जी को साधुवाद देता हूँ इतने सारगर्भित उद्बोधन के लिए। जैसा कि अपेक्षित था, क्योंकि वो माननीय न्यायमूर्ति हैं तो न्याय की भाषा में, कानून की भाषा में उन्होंने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, धर्म से शुरू करके और भविष्य में जो लीगल एजुकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, इसकी चर्चा उन्होंने की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस उद्घाटन सत्र में, जिसमें कि वे मुख्य वक्ता हैं, उसमें मैं अध्यक्ष के उद्बोधन कर रहा हूँ। जैसा कि मयंक जी कर रहे थे कि ये विश्वविद्यालय हमेशा लगता है मेरा ही विश्वविद्यालय है, जो स्नेह, जो अनुराग, जो आस्था, जो विश्वास इस संस्था के प्रति उस समय
आज से कई वर्षों पूर्व 2008 से 11 के बीच में मैं यहाँ कुलपति रहा। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तो वही सब भाव, वही सब महामना की दूरदृष्टि याद आती है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये तीनों लोकों से प्यारी काशी है, सर्वविद्या की राजधानी है, और संयोग ये है कि विदिशंकाय अपना 100 वर्ष की यात्रा करके आगे बढ़ रहा है, और ऐसे मुकाम पर उसने पूरे लीगल एजुकेशन में भारतीय प्रवेश, भारतीय परंपरा, भारतीय जो पूरा का पूरा हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य की क्या दिशाएं होनी चाहिए, इस पर ये इतना बड़ा समागम आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, विधि संकाय के प्रमुख, इस संकाय के सभी शिक्षक वृंद, यहाँ के सभी शोधार्थी और छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। भविष्य में ये विधि संकाय निरंतर उन्नति करता रहे और विधि से संबंधित जो शिक्षण कार्य है उसमें अगुवाई करता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 100 वर्ष की जो यात्रा है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह अवसर हमें देती है कि इतने वर्षों में हमने क्या किया, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक की जो दृष्टि थी और इस विद संकाय के जो स्वयं संकाय प्रमुख रहे, प्रातः स्मरणीय महामना पंडित मधुमोहन मालवीय और भारत रत्न महामना मालवीय, उन्होंने जो कुछ सोचा था, जो स्वप्न देखा था, जो बीजारोपण किया था, उसे हम इतने वर्षों में कहाँ तक ले जा पाए हैं, कहाँ पहुँच पाए हैं, और भविष्य के लिए हमारी दिशा क्या है। जैसा कि जस्टिस अशोक भूषण जी चर्चा कर रहे थे, अनूप जी ने भी अपनी प्रस्तावना में बताया कि कैसे मालवीय जी उस समय बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड लीगल एक्सपर्ट्स को यहाँ लेकर के आए मानित प्रोफेसर के रूप में, जिसमें कैलाशनाथ काटजू जी थे, सर तेज बहादुर सप्रू जी थे, पीएन सप्रू जी, ऐसे बहुत से नाम थे। और मुझे यह भी याद है कि इस संकाय के अतिरिक्त भी विभिन्न संकायों में वे इसी तरह से देश और विदेश से विद्वानों के लाए और इस सर्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके इसको आगे बढ़ाया। मैं बहुत ही कृतज्ञ भाव से महामना का पुण्य स्मरण करता हूँ, उनके प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूँ। हर्ष का विषय यह है भी इस है और ये संयोग भी है कि आज जब ये विध संकाय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पर ये समारोह कर रहा है, उस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति इसी विधि संकाय के पूर्व छात्र न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी हैं, और मालवीय जी के परिवार को भी वो काफी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे ये भी बताया गया कि केवल 2 ही ऐसे उदाहरण हैं जो कि कुलाधिपति के रूप में, पूर्व छात्र के रूप में जिन्होंने शोभा बढ़ाई है, उसमें संस्कृत विभाग के जो पूर्व छात्र महाराज डॉक्टर विभूत नारायण सिंह जी थे वो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे और अब न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी हैं। इस विद संकाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के विद्यार्थी निकल करके बहुत से जिला न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा जो प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन का जगत उद्घोष धर्म संस्थापना प्रथायक का न केवल कार्य कर रहे हैं,
अपितु यहाँ से उत्तीर्ण स्नातक भारतीय न्याय प्रणाली को निरंतर सशक्त करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विधि शिक्षण संस्थानों में युवा वर्ग को विधि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुझे यह जानकर भी हर्ष हुआ है, मुझे बताया गया कि विधि संकाय के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने अपना विशिष्ट व्याख्यान देकर के किया था और आज यह संकाय काशी न्याय समागम के माध्यम से उसी श्रृंखला में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विधि संकाय में आयोजित यह काशी न्याय समागम अत्यंत समीचीन और समसामयिक है, महत्वपूर्ण तो है ही। इस काशी न्याय समागम में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। काशी न्याय समागम के आयोजन से न केवल विश्वविद्यालय के संस्थापक के उस मूल मंत्र जिसमें उन्होंने प्राचीन और अर्वाचीन, प्रतीची और प्राची का मेल चरितार्थ किया जा रहा है, बल्कि न्याय प्रणाली के प्रारंभिक उद्भव एवं विकास में काशी के योगदान का स्मरण करते हुए इस विधि संकाय द्वारा भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था को पुनः रेखांकित करने का पुनीत कार्य भी हो रहा है। साथियों, काशी अन्याय के विरुद्ध न्याय अर्थात सत्य और धर्म, जिसकी बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा की गई है, न्याय के विरुद्ध को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने वाली नगरी रही है। सतयुग से लेकर युगों तक काशी में सत्यमेव जयते का उद्घोष हुआ है। सत्य को प्रकट करना अथवा सत्यपरक तथ्यों को पुनर्उद्घाटित करने में सहायता देना या सत्य की रक्षा के लिए सर्वस्व का बलिदान कर देना ही धर्म है और यही धर्म ही न्याय का मूल आधार है। भारतवर्ष का न्याय के प्रति यह सनातन दृष्टिकोण रहा है। महान सत्यवान राजा श्री हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य की रक्षा के लिए उस प्रसिद्ध युक्ति का यहाँ स्मरण मुझे लगता है आवश्यक होगा, जिसके लिए यह काशी साक्षी रही है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अर्थात सत्यवादी दृष्टिकोण ही न्याय प्रशासन में उसकी एक अनिवार्य धुरी होती है। न्याय प्रदान कराने की दिशा में न्याय प्रणाली के लिए यह प्रथम कदम होता है और इसलिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया सत्यमेव जयते, जिसे भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अपना राष्ट्रीय ध्येय बनाया है, ये तो धर्म है ततो जय, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना ध्येय वाक्य चुना है, जिसकी चर्चा माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी की। यह भी स्मरणीय हो कि इसका अनुगमन करते हुए यहाँ के विधि संकाय का ध्येय सूत्र धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा है, अर्थात संपूर्ण विश्व का आधार विधि ही है। इसके अतिरिक्त कुछ नेशनल लॉ स्कूल के सूत्रवाकों को देखा जाए तो पाया गया कि यह सब धर्म और न्याय के सुप्रसिद्ध सूत्रों का अनुसरण है, जैसे कि धर्मो रक्षत रक्षिता, न्यायस्तत्र प्रमाणम स्यायत, यत्नवान सुखमेदते, योग है कर्मस कौशलम, यांत न्याय प्रवतस इत्यादि। इस प्रकार यदि हम प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली के दार्शनिक पक्ष का अवगाहन करें तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए या यह कहें कि विधि की स्थापना के लिए सर्व समाज के प्रति एक आदर्श या प्रतिमान स्थापित किया, जो न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में सदैव मार्गदर्शन का कार्य करता है। इस संबंध में यहाँ एक प्रसंग का मैं उद्धरण करना उपयुक्त समझता हूँ। जब श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भ्राता बाली का वध करने के लिए बाण मारा तो बाली ने उनके द्वारा बिना किसी कारण के मारने के इस कार्य की न्यायोचितता पर प्रश्न किया और वह कहता है, धर्म हेतु अवतरहें गुसाई, धर्म हेतु अवतरहें गुसाई, मारहे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये रामचरितमानस का है। अर्थात आपने धर्म की रक्षा के लिए
विधि की स्थापना के लिए अवतार लिया है हे प्रभु राम, और मुझे व्याध बहेलिए की तरह छिपकर मार दिया है। आपका मैं दुश्मन हूँ और सुग्रीव आपको प्यारा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, किस दोष अथवा अपराध से आपने मुझे मारा? तब श्री राम ने इस प्रकार उत्तर दिया, और बहुत ही मुझे लगता है कि प्रासंगिक है न्याय की दृष्टि से और धर्मानुशासन की दृष्टि से। उन्होंने कहा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों को जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे अकारण भी मानने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो इससे उन्होंने जस्टिफाई किया, प्रभु राम ने बाली के वध को किस तरह से जस्टिफाई किया है। मुझे लगता है कि यह न्याय की जो नए सिरे से हम देख रहे हैं, धर्म की पुनर्स्थापना की जो हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं। यदि स्मृतिकाल को देखा जाए तो सभी स्मृतियां नीतियों का संग्रह ही हैं, जिसकी चर्चा माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी की, जिसमें न्यायाधीश नियुक्त करने के गुणों से लेकर नीतियों या विधियों की व्याख्या, आपराधिक विचारण, साक्ष्य की पुष्टि के तरीके तथा सत्य की खोज के वास्तविक सिद्धांत पर बृहद प्रकाश डाला गया है। वर्तमान समय को देखें तो यह स्पष्ट है कि कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र न्याय प्रशासन के लिए एक पूर्ण वांग्मय है। इसमें न केवल विधि के सूत्र दिए गए हैं बल्कि प्रशासन की सफलता के मूल मंत्र भी प्रतिपादित किए गए हैं, जो आज भी पूर्णतः समीचीन है। महामना पंडित मधुमोहन मालवीय जी बार बार दोहराते थे, वो कहते थे कि मनु के अनुसार धृति क्षमा दमोस्ते शौचमंद्रे निग्रह धीवर दिया सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, बुरी वृत्तियों का दमन करना, चोरी न करना, शौच, आत्मनिग्रह, विवेक, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तप की व्याख्या करते हुए मालवीय जी ने लिखा है, तप अपने उद्देश्य, प्रयोजन या गर्व से अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा, तामसिक, राजसिक और सात्विक एवं कायिक, वाचिक और मानसिक कहलाता है। मुझे लगता है कि आज जब हम काशी न्याय संगम में चर्चा कर रहे हैं, समागम में, तो इन सभी पृष्ठभूमियों को भी देखने की आवश्यकता है। आज हमें अपनी जो भारतीय प्राचीन परंपरा है उसको भी याद रखना है, संग्रहित करना है, उसको जो मूल मंत्र हैं उनको भी समाहित करना है, ताकि हमें ही नहीं पूरे विश्व को भी इसका भान करा सकें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं, और इसलिए हमें अपने इतिहास को याद रखना है, जिस इतिहास की चर्चा काशी न्याय समागम के उद्देश्य के लिए की गई है, जिसकी चर्चा माननीय न्यायमूर्ति जी ने की है और जिसको लेकर के आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं और हम सभी शिक्षा से संबंधित हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य दृष्टि है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि टू डेवलप लर्नर्स एज ग्लोबल सिटीजन्स बट दे शुड रिमेन कनेक्टेड टू देयर रूट्स। हमें अपने विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना है, लेकिन वे अपनी जड़ों से जुड़े रहने चाहिए, अपने परिवेश से, अपनी भारतीय जड़ों से, अपनी भारतीय परंपराओं से, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से, अपनी भारतीय भाषाओं से, अपनी कलाओं से, अपनी संस्कृति से, और इसलिए ये शिक्षण संस्थानों के सामने एक बड़ा उद्देश्य है। इसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य ये भी है कि हमें भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। हमें ज्ञानार्जन के साथ साथ अपने विद्यार्थियों को पूर्ण आत्मज्ञान भी कराना है। हम इस धरा पर आए हैं तो क्या हैं, हमारे सफल नहीं सार्थक जीवन का उद्देश्य क्या है,
इन उत्तरों का, इनको सवालों का भी उत्तर हमें देखना है। हमें अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनकी भी पहचान करनी है, और इसलिए ये भी कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हमें पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त कर अच्छे व्यक्तित्व के धनी वैश्विक नागरिकों का निर्माण करना है। ये बड़ा उद्देश्य है, विद्यार्थी केंद्रित ये शिक्षा है, व्यक्तित्व के समग्र विकास की इसमें चर्चा है, अच्छे इंसान बनाने की भी इसमें बात है, और जहाँ तक रिसर्च की बात है, सोशली रिलीवेंट, नेशनली इम्पोर्टेंट और ग्लोबली सिग्निफिकेंट रिसर्च हमें करनी है। तो आज जब हम लीगल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये दोहराना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से संबंधित पैरा दिया हुआ है 20.4, वो आपके विद्यार्थी हमारे यहाँ, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। NEP 2020 में कहा गया है कि लीगल एजुकेशन नीड्स टू बी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, एडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर वाइड एक्सेस टू एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। एट द सेम टाइम इट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड इल्यूमिनेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स नेशनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। द करिकुला फॉर लीगल स्टडीज मस्ट रिफ्लेक्ट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलोंग विद इन एन एविडेंस बेस्ड मैनर, द हिस्ट्री ऑफ लीगल थिंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ जुरिसप्रूडेंस एंड अदर रिलेटेड कंटेंट अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली। स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग लॉ एजुकेशन मस्ट कंसिडर ऑफरिंग बाइलिंगुअल एजुकेशन फॉर फ्यूचर लॉयर्स एंड जजेस इन इंग्लिश एंड इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। ये इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। मुझे लगता है कि इसको हमें सभी संस्थानों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जैसा कि बताया गया कि ये हमारा विधि संकाय ने अग्रणी भूमिका निभाई है, पहले LLB और पूर्णकालिक LLM पाठ्यक्रम शुरू करने में, तो भविष्य में भी ये काशी न्याय समागम के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे भविष्य की दिशा तय करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथियों, जिस समय से हम गुजर रहे हैं इसे अमृत काल और अमृत महोत्सव कहा गया है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, हम विकसित भारत 2047 के उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा कर रहे हैं, और जब हम अमृत महोत्सव में जी रहे हैं और अमृत काल की चर्चा कर रहे हैं, तो जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, ये युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि इसी को अमृत निकालना है। दुष्प्रवृत्तियों से सद्गुणों की ओर बढ़ते हुए अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर अच्छे राष्ट्र के निर्माण में लगाने के लिए, लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ श्रेष्ठतम हो सकता है उसे करने के लिए। तो प्यारे युवा साथियों, आप ही अमृत निकालने वाले हैं और आप ही को अमृत पान करना भी है। वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है वह आपका मार्गदर्शन करेगी, और इसलिए एक समृद्ध, सशक्त, विकसित, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम सब लोग कार्य करें। पूरे विश्व को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसकी ओर पूरा विश्व देख रहा है। कैसे विश्व को पूरा खुशहाल बनाया जाए, कैसे शांत प्रिय बनाया जाए, कन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज के बीच होते हैं वो देश भारत की ओर देखते हैं, और भारत कैसे उन कन्फ्लिक्ट्स को, भारत का नेतृत्व कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये अंगड़ाई लेता हुआ भारत है, और एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ भारत है। हम उसके साक्षी बन रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, और इसलिए इसके लिए सबको कार्य करना होगा, सबको सहयोग देना होगा, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक वैश्विक नागरिक के रूप में। और जब
मुझे लगता है कि जब हमें विश्व की अगुवाई करनी है तो हमें, मुझे ये याद आता है एक श्लोक, अयम निज परोवयति गणना लघुचित साम उदार चट्टा नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। हमने अभी G20 की प्रेसिडेंसी की, हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा दिया, और इसलिए वसुदेव कुटुम्बक के इस विचार को और आगे बढ़ाना है, और इसलिए हमें विराट हृदय बना बनना है। जो बड़ा सोचते, महावना कहा करते थे, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना चाहिए, बड़े विचार रखने चाहिए, हमारे अंदर बौद्धिक स्पंदन बना रहना चाहिए, और हमें बड़े विचारों का स्वागत जहाँ से भी मिले उन्हें करना चाहिए, और उन्हें अपने अच्छा बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं कंक्लूड करूँगा कि यदि हमें एक शिक्षक संस्थान को एक राह निकालनी है भविष्य में, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस पर फोकस करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ 4-5 सूत्र हैं, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत जीवन से लेकर के और राष्ट्र और वैश्विक जीवन तक क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसकी कुछ बातें कहते हुए अपनी बात कंक्लूड करूँगा, जिसमें यह है कि हमारा जीवन आध्यात्म केंद्रित होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी सेंट्रिक लाइफ। हमारी शिक्षा लर्नर सेंट्रिक है और होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, महिला केंद्रित परिवार वुमेन सेंट्रिक फैमिली, मानव केंद्रित विकास ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, और विश्व में अगुवाई करनी है, वैश्विक नेतृत्व देना है तो भारत केंद्रित विश्व। ये समय आ गया है, ये भारत का समय है, भारत की सदी है, 21वीं सदी, और इसलिए हमें विश्व का नेतृत्व देने के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूँ, और इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी पहले भी अपेक्षा रही है, मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ तक भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आगे बढ़ने की बात है, भारतीय शास्त्र को ध्यान में रखते हुए विस्तार करने की बात है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इसमें निश्चित रूप से अगुवाई करनी चाहिए। पूरा देश आपकी ओर देख रहा है, और इसलिए भी देख रहा है, मैं कुलपति तो दूसरी जगह भी रहा हूँ, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जो एक मल्टी फैकल्टी यहाँ का ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, ज्ञान विज्ञान तकनीकी सबका यहाँ समावेश है, और इसलिए जो ज्ञान विज्ञान तकनीकी की जो नई धाराएँ हैं और कानून से संबंधित जो कुछ नई दिशाएँ हैं, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें अगुवाई करे, भारतीय ज्ञान परंपरा उसमें समाहित हो। अनूप जी ने जो बहुत सारे प्रश्न चर्चा के लिए रखे हैं, उनके समाधान या निकले हैं, उसमें से कुछ निष्कर्ष, कुछ दिशाएं जो विद्वान मैं देख रहा हूँ, जो सूची मैंने देखी है, बहुत लंबी सूची है, आपके बीच में बहुत सारे विद्वान होंगे, वो मार्गदर्शन आपका करेंगे, और उसमें से जो कुछ सुचिता पवित्रता और ज्ञान की गंगा बहेगी, वो बहुत दूर तक जाएगी, और विश्व की खुशहाली के लिए, विश्व में के स्वानुशासन से लेकर के आत्मानुशासन तक और व्यक्ति से सृष्टि तक ले जाएगी हमें, और ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस न्याय समागम की सफलता की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।